जनपद बदायूं तहसील दादागंज के गांव हजरतपुर में बाढ़ राहत मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाढ़ आने पर गांव बाढ़ में घिर जाती है। इस कार्यक्रम में राज्य आपदा मोचन बल ने अपनी टीम के साथ बाढ़ से बचने के बारे में अपने स्टीमर के द्वारा रामगंगा में डूबने वालों को कैसे बचाया जाए, गंगा में कुछ लोगों के साथ डेमो करके दिखाया, राहत पैकेट भी वितरित करने के बारे में भी बताया गया, शिविर लगाकर बाढ़ से होने वाले कटान को कैसे रोका जाए ये भी बताया गया कि नायलॉन रोप क्रेट में मिट्टी भरे बोरे को लगाकर कटान को रोका जा सकता है या फिर परक्यूपाइन में झाव झाकर टहनियों को भरकर भी कटान को रोका जा सकता है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने लोगों को बताया कि इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचे पानी में क्लोरीन की गोली डालकर उबालकर पानी इस्तेमाल करें, इलाज सरकारी अस्पताल में ही कराए। कार्यक्रम में सभी विभागों की प्रदर्शनी लगाकर उनके बारे में बताया गया। कार्यक्रम में अशोक कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं, निशा अनंत मुख्य विकास अधिकारी बदायूं, ब्रह्मपाल सिंह खंड विकास अधिकारी मयाऊं, समस्त लेखपाल कानूगो प्रधान सचिव और सभी विभाग के अधिकारी राकेश कुमार चौहान, थाना अध्यक्ष हजरतपुर और गोताखोर मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए वीरपाल सिंह के साथ हरिओम की रिपोर्ट, हजरतपुर बदायूं। प्रदेश की योगी सरकार स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर कितना भी पैसा बर्बाद कर ले और कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन आज आपको बताते चले, जिला फिरोजाबाद का सिकोहाबाद का बस स्टैंड आज खुलेआम उड़ा रहा है स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां। जहां नहीं रहती है आज सफाई व्यवस्था, जगह जगह पर लगे रहते हैं कूड़े के ढेर और गंदगी के अंबार, वहीं डिपो के अंदर बसें अंदर न आने से यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। कहने को तो सिकोहाबाद का बस स्टैंड एक बड़ा बस स्टैंड माना जाता है, लेकिन आजकल यहां बसों का टोटा दिखाई दे रहा है। जी हां, जहां बाहर की बसें अंदर नहीं आती हैं, सीधे बाईपास निकल जाती हैं, सवारी हो रही है परेशान। जब हमने इस संबंध में सफाई व्यवस्था के लिए सिकोहाबाद बस स्टैंड के ARM राकेश सिंह से बात की, तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि बारिश का मौसम है और बस स्टैंड का फर्श काफी नीचा पड़ जाता है, जिसके कारण जल भराव गंदगी बनी रहती है। वैसे तो डेली सफाई कराई जा रही है, वहीं उन्होंने बसें न अंदर आने को लेकर कहा, ओवर ब्रिज बनाने के कारण बाहर की बसें सीधा NH2 से सीधा निकल जाती है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, अगर इसी तरीके से बाहर की बसें सीधा NH2 पर निकलती रही तो सिकोहाबाद बस स्टैंड रहने का क्या मतलब है? राम नरेश, यहाँ कब से खड़े हैं, क्या मामला है, किस कब से खड़े हैं, बस नहीं मिली है आपको? बस नहीं मिली है? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, सिरसागंज सिकोहाबाद। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद थाना मटसेना क्षेत्र जिला मुख्यालय दबरई पर बीती रात मुख्यालय पर आदर्श पुलिस चौकी के नाक के नीचे से एक दुकानदार की लकड़ी की दुकान तोड़कर हजारों का सामान एवं नकदी निकाल कर ले गए। आपको बता दें कि जबकि मुख्यालय पर पुलिस चौकी पर रात और दिन पुलिस के गश्त होने के बावजूद भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। जी हां, साफ तौर पर पुलिस को चैलेंज देते हुए अपराधी नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश पुत्र केदारनाथ अपनी लकड़ी की दुकान में पान बीड़ी सिगरेट गुटखा पानी के पाउच बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पीड़ित द्वारा तहरीर जिला मुख्यालय पुलिस चौकी इंचार्ज गौरी शंकर पटेल को दे दी है। देखने वाली बात है कि जहां 24 घंटे पुलिस रहती हो, भला वहां चोरी होना साफ तौर पर पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कब तक चोर पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। जयप्रकाश जी, क्या मामला हुआ है? कितने रुपए का सामान चला गया? 15,000 रुपए का। अच्छा, क्या क्या चला गया सामान में आपके? नगद भी गया कुछ? आपने तहरीर दी चौकी पे? जी देखेंगे, रिसीविंग नहीं की। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा के साथ देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आज स्थानीय उत्सव भवन में आयोजित संगठन पर्व पर जिला कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विनोद गोटिया, संगठन मंत्री श्री आशुतोष तिवारी के संग मंत्री श्री आशुतोष तिवारी के मुख्य अतिथि एवं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश आयाची की अध्यक्षता में संगठन पूर्व संगठन पर्व पर कार्यशाला का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन महामंत्री अभिषेक खरे रानू ने किया एवं आभार मंडल अध्यक्ष मुन्नालाल साहू ने किया। सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी मंडल अध्यक्षों ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अखिलेश आयची ने स्वागत भाषण देते हुए बताया कि प्रदेश द्वारा टीकमगढ़ जिले को सदस्यता हेतु 1 लाख का लक्ष्य दिया गया है, जिसको हम 1.5 लाख सदस्य बनाकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने मोर्चों एवं मंडलों के माध्यम से प्रभारी नियुक्त किए हैं जो बूथ स्तर पर जाकर सदस्यता कराएंगे। वहीं प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विनोद गोटिया ने कहा कि टीकमगढ़ जिले में 1150 बूथ, 459 ग्राम पंचायत, 50 नगर केंद्र, 11 नगर पंचायतें और 1 नगर पालिका है। हमें पिछले लक्ष्य से 20% सदस्यता बढ़ानी है। उन्होंने कहा कि हमें मोबाइल के साथ एक फॉर्म भरकर प्रत्येक बूथ पर 150 सदस्य का लक्ष्य रखना है। हमारी सरकार ने लोक कल्याणकारी योजना के माध्यम से सभी वर्गों को लाभ दिलाया है। हम सदस्यता अभियान के तहत सभी वर्गों तक जाएंगे और उन्हें सदस्यता दिलवाएंगे। हमने मध्य प्रदेश में 29 में से 28 लोकसभा सीटों को जीतकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों को एक एक दिन का समय देकर सदस्यता करवाएंगे। युवा मोर्चा को 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है, इसी तरह सभी मोर्चों को लक्ष्य दिया गया है। वहीं संगठन मंत्री श्री आशुतोष तिवारी ने बताया कि संगठन पर्व के माध्यम से पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा में जिन बूथों पर हमें कम मत प्राप्त हुए हैं, विशेष तौर पर हम उन बूथों पर नए सदस्य बनाकर उन बूथों को मजबूत करेंगे। एवं उन्होंने मंडल अध्यक्षों से मंडल सह बनाए गए सदस्यों की समीक्षा की। वहीं सदस्यता प्रभारी प्रतिन्द्र सिघई ने कहा कि सभी मोर्चों एवं मंडल अध्यक्ष के साथ बैठकर उन्हें पत्रक सौंप दिए गए हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए साहिन निशा की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश। मामला रायबरेली स्थित मनसा देवी मंदिर के पास का है, जहां पर रहने वाली फूलमती नामक महिला की पत्थर से कुचलकर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। घटना बीती सुबह 17 जुलाई की है, जब फूलमती अपने घर के बाहर सोई हुई थी। उसी समय पहले से ही घात लगाकर बैठे उसके भतीजे और उसके एक अन्य साथी के द्वारा बहुत ही निर्ममता पूर्वक पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। सुबह 7 बजे के करीब राहगीरों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करीब आधा घंटे के बाद भतीजे व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या का कारण जमीन का विवाद बताया जा रहा है। जो खत्म हुई कौन है, क्या ऐसे क्या हुआ था, किसने हत्या किया? सुबह सो रहे थे, 4 बजे उठे हम, उसके बाद हमसे बोले बुखार है, अंदर जा, लेट हो जाके। हम अंदर चले गए, उसी के मारा। किसने मारा? भाई ने, मेरे चाचा लड़के ने। किस लिए मार दिया? जमीनी विवाद, मकान। पहले से चल रहा था? हाँ। किस चीज से मारा है? फूलमती उम्र लगभग 60 वर्ष, स्टेशन रोड पे सो रही थी। इसके भतीजे द्वारा चोट पहुंचाकर इसकी हत्या कर दी गई है और आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस मौके पे है तो पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हैं। हत्या की वजह क्या पता चल रही है? जमीन इनका आपसी कुछ है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए आकाश तिवारी की रिपोर्ट, रायबरेली। ग्राम पंचायत सोनिकपुर ब्लॉक भरावन हरदोई उत्तर प्रदेश बाड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास 20 गायों के अवशेष मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ता निशान दीक्षित व उनकी टीम ने अतरौली चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए बहुती गांव के बने गौशाला में मुस्लिम समाज के चौकीदारी की मिलीभगत की आशंका जताई है। अतरौली चौराहे पर धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ग्राम बहुती गौशाला में मुस्लिम समाज के चौकीदार को नहीं हटाया गया तो पूरे हरदोई में धरना प्रदर्शन की चेतावनी
चेतावनी दी और कहा ऐसे कई मामले हो चुके हैं जैसे कि भटपुर, शिवपुरी, श्यामदासपुर, इन इलाकों में आए दिन गौकसी का मामला होता रहता है। शासन प्रशासन अगर इस पर ध्यान नहीं देगा तो प्रशासन हमें खुली छूट दे, हम खुद ही इससे निपटने के लिए तैयार है। अब गौकसी बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं पर मौजूद भरावन हिंदू मंच अध्यक्ष राहुल सिंह युवराज ने भी चेतावनी दी कि एक तरफ योगी सरकार दावा करती फिरती नजर आ रही है कि गौवंश के लिए संवेदनशील है, मगर प्रशासन इस पर सही से ध्यान नहीं दे रहा है। आम जनता में भी आक्रोश है। वहीं पर मौजूद बजरंग दल भरावन हिंदू मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा, योगी और मोदी सरकार में भी अगर गाय सुरक्षित नहीं रहेंगी, ऐसे ही गौकसी होती रहेगी तो हम सब मजबूर होंगे। प्रशासन से मांग की हमें जल्द से जल्द इसका निदान चाहिए, नहीं तो हरदोई जिले में हम स्वयं मजबूर होंगे। गौरक्षक TV1 इंडिया न्यूज के लिए परीक्षित सिंह की रिपोर्ट, अतरौली, हरदोई। जनपद मथुरा में यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बदमाशों को पुलिस बख्शने के बिल्कुल मूड में नहीं। थाना महावन इलाके में पुलिस को सूचना मिली थी कि 25,000 रुपए का इनामी बदमाश दलवीर और उसका साथ बाइक से महावन से बलदेव की तरफ जा रहे हैं। सर्विलेंस और शॉट टीम और स्थानीय पुलिस ने बदमाश की घेराबंदी की और साथ ही बदमाश को गौशाला के निकट मथुरा रोड पर घेर लिया। पुलिस को चारों तरफ से आता देख दोनों बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया और जिसमें पुलिस कर्मी बाल बाल बचे और बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो गई। उसी दौरान जब पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाश के ऊपर गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 25,000 रुपए की इनामी बदमाश दलवीर निवासी हाथरस को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दलवीर का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में इनामी बदमाश दलवीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। SP सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि यह शातिर किस्म का बदमाश है जिसका नाम दलवीर है और 25,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित। थाना बलदेव इलाके में चांदी व्यापारी से हुई लूट में भी यह वंचित है। अलग अलग थानों से इस इनामी बदमाश पर करीब 19 मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान बाइक पर यह दो बदमाश सवार थे जो महावन से मथुरा की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस ने गौशाला के निकट इनकी घेराबंदी कर ली और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई। पकड़े गए शातिर बदमाश पर अलग अलग थानों से करीब 19 मुकदमे दर्ज हैं। बलदेव में हुई चांदी व्यापारी के साथ लूट में भी यह शातिर बदमाश शामिल था और पुलिस को काफी लंबे समय से इसकी तलाश थी। SP साहब, ये जो आज यहाँ मुठभेड़ हुई है महावन क्षेत्र में, ये क्या है, पूरी इसके बारे में जानकारी दें। अभी 9:30 बजे करीब महावन पुलिस और टीम और सर्विलांस टीम तथा अपराधियों के बीच महावन क्षेत्र के अंदर एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुठभेड़ के बाद दलवीर नामक का एक अपराधी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर विभिन्न थाना क्षेत्र से 19 मुकदमे हैं और वो बलदेव की जो चांदी लूट की उसमें वांछित है। ये 25,000 का इनामी है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, दो खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके पाँव में गोली लगी है और किस पाँव में गोली लगी सर? और इसे तुरंत अस्पताल में भेजा गया है और इसके सीधे पाँव में गोली लगी है। साथ ही साथ इसका जो एक अपराधी दोस्त था जिसके साथ था वो भी फरार है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। जनपद बाराबंकी तहसील फतेहपुर थाना बड्डूपुर भगौली चौकी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें उपस्थित SI अभिषेक कुमार यादव, हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र यादव, लालजी प्रसाद और कांस्टेबल आरफ सिंह के द्वारा बताया गया कि दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है और कुछ वाहनों का चालान भी काटा गया। आइए हम आपको दिखाते हैं SI अभिषेक कुमार यादव किस प्रकार जनता को हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए जागरूक कर रहे हैं और यह ही नहीं, देखिए किस प्रकार जनता के साथ अच्छी तरह से सलाह देते नजर आ रहे हैं। यदि इसी प्रकार से SI अभिषेक कुमार यादव जनता के साथ पेश आएंगे तो भगौली चौकी के अंतर्गत जनता नियमों का पालन करती नजर आएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए राम निवास वर्मा की रिपोर्ट, बाराबंकी। प्रधानमंत्री हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं तो वहीं हरदोई के ग्राम प्रधान व सफाई कर्मी उनके स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी हां, जनपद के तैरिया ग्राम प्रधान व सफाई कर्मियों पर स्वच्छ भारत मिशन का कोई असर नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाने में कतई पीछे नहीं हट रहे हैं। बात विकास खंड 52 के गाँव तैरिया की है, जहाँ ग्राम प्रधान स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तैरिया गाँव की बहुत बुरी दशा है, अपनी दुर्दशा पर गाँव आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि
मांडी शाहबाद मार्ग पर जगदीशपुर चौराहे से शाहबाद की ओर जाने वाले मार्ग पर चौराहे से तेरिया गांव की लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है, जहां पर नालियों का पानी सड़क पर भर जाता है, जिससे काफी बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं। ये नजारा तालाब जैसा दिखता है, जिससे बड़े हादसे होने का भी डर बना रहता है। जबकि सावन शुरू हो गया है और सावन में पंचाल घाट, राजघाट से जल भर कर कांवड़ियों के जत्थे सहित अन्य हजारों भक्तों की संख्या में हमेशा इसी कीचड़ भरे मार्ग से गुजर कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर श्री शिव शंकर हरण जाना होता है। देखना यह है कि इस बार भी कांवड़ियों को कीचड़ से गुजर कर जाना पड़ेगा या प्रधान जी इस पर ध्यान देंगे। ग्रामीणों व राहगीरों को तो जैसे सालों भर इस कीचड़ का सामना करना पड़ता है, वहीं जनपद के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कांवड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्री खरे ने अनियमितता बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने के सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन तैरिया प्रधान पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नालियां चौक हैं, सड़क पर पैदल निकलना मुश्किल है। अगर गलती से सड़क के किनारे खड़े भी हो गए तो रास्ते से निकलने वाले वाहनों से कीचड़ कपड़ों पर गिरता है, जिससे कपड़े खराब हो जाते हैं और इसके साथ ही बीमारी का खतरा बराबर मंडराता रहता है, जिसमें राजकुमार गुप्ता, रामवरण गुप्ता, रावेंद्र गुप्ता, प्रदीप जगन्नाथ, जागेश्वर आदि ग्रामीणों में कीचड़ को लेकर रोष व्याप्त है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोलते तेरिया ग्राम प्रधान व सचिव पर कब कार्यवाही आला अधिकारी द्वारा की जाए, या यूं ही समस्या व्याप्त रहेगी, या प्रधान व सचिव घोटाले पर घोटाला कर आला अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य करेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, हरदोई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सोहगांव में एक महिला ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आपको बताते चले कि महिला पिछले कुछ महीनों से मानसिक रूप से बीमार, जहां एक ओर घर वालों ने काफी इलाज भी करवाया, लंबे वक्त से इलाज वो करवा रहे थे, जब इलाज से सही नहीं हुई तो घर वाले वापस अपने गांव ले आए। महिला की अचानक मानसिक स्थिति खराब हो जाने के कारण घर के पास ही मौजूद कुएं में उसने छलांग लगा दी। वहीं आनंद फानंद में ग्रामीणों ने उसे कुएं से बाहर निकाला, तब तक महिला की मौत हो चुकी। सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहीं पे परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कौन गांव है? क्या है मामला बताएं। ये जो है इनके 3 महीने से। क्या नाम है महिला का? महिला रेखा देवी। अच्छा अच्छा, हाँ बताएं। वो जो है 3 महीने से जो है गड़बड़ थी, शरीर से बीमारी थी, तो उनके पति जो अभी लेके आए थे तो बस तुरंत आए हैं, वो खड़ी किया है, वहाँ से दौड़ के आई है और कूद गई कुएं में आके। उसके बाद गांव वालों ने सब लोग जो है खड़े होके सब निकालने को ही किया, तो सब लोग उतरने लगे, हम भी उतरे नहीं, सब कोई भी उतरा, जहाँ आधे उतरते थे गैस बनने लगती थी तो नहीं निकाल पाए। कम से कम 2 घंटे उसमें लग गया उसको निकालने की। फिर क्या, कैसे निकाली गई? रस्सा बांध के लड़का गया उतर के नीचे, इसी करिए हम रस्सा बांधा गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आई थी, फायर ब्रिगेड आई थी, 100 नंबर आई थी। अच्छा अच्छा, नहीं तो जब गैस थी कैसे बच्चा उतर गया? नहीं, उसमें पानी डाला गया था। अच्छा अच्छा, पानी डाल के फायर ब्रिगेड वाले पानी डाला था, पानी डाल के जो है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए पंकज पटेल की रिपोर्ट, फतेहपुर।